देखिए, ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम जो हम पढ़ रहे हैं आज, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो ड्रग्स एंड डाइज बनाने में काम आता है। इसके रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत पूछे जाते हैं। ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है और ये हमारे दो इंस्टीट्यूट कमला नगर में, ये कंपटीशन के लिए IIT JEE और नीट के लिए और ये 11th 12th बोर्ड के लिए, इसलिए बता रहे हैं जिससे आप कभी आसपास रहते हो, अगर आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, तो आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम। इसका फॉर्मूला ये होता है, और जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है। इसमें जो एक्स माइनस देख रहे हैं ये एनाइन है, ये हेलोजन भी हो सकता है। कोई भी एनाइन हो सकता है, और ये जो हम देख रहे हैं इसको हम एजो ग्रुप बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इसका लैब प्रिपरेशन देखें तो इसको कैसे बनाया गया, तो एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करवा। ध्यान रखना, लो टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन होता है, 0 to 5, या इसमें इन कोल्ड लिख दे। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा ले लें तो इससे एल्कोहल बन जाएगी जो एलिफेटिक में बनती है। तो लो टेम्परेचर पर ही ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन को डाई एजो डाइजेशन कहते हैं। नेम्ड रिएक्शन है एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड का बनना। अगर आपने टेम्परेचर जो है ये इससे ग्रेटर कर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डिकम्पोज हो जाए। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड बनना था ये नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देती है, HNO2। वो इससे अमाइन से रिएक्शन कर जाता है, ऐसे इसको ब्रेक कर दो, इधर O, इधर N, इधर O, मतलब फिनॉल बन जाएगा, फिर डाइयोनियम नहीं बने, इसलिए टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं इस एरोमेटिक अमाइन की जगह एलिफेटिक अमाइन ले लूं, ये लो टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो ये आपने अमाइन ली प्राइमरी और इसका रिएक्शन करवा दिया NaNO2HCl, मतलब HNO, तो लो टेम्परेचर पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें जो डाइजोनियम बनेगा ये अनस्टेबल होगा। लो टेम्परेचर पर भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ध्यान रखें। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे, ये सीधे ऐसे रिएक्शन करके एल्कोहल बनाता। क्लियर हो रहा? तो ये बात ध्यान रखना है, अगर ये अनस्टेबल है, कहने का मतलब वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा।
क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो जो एलिफेटिक अमाइन होती हैं, ये लो टेम्परेचर पे जो डाइनोनियम अगर बनाती तो अनस्टेबल होता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करके उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एल्कोहल बनता। तो इसको हम सीधे भी देख सकते हैं कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन HNO2 किस्म एल्कोहल बनाता, डाइनोनियम नहीं बनाता। लेकिन ये भी लो टेम्परेचर पे डाइजोनियम बनाती हैं, अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा ले लिया 5 से, तो ये भी एल्कोहल बना देंगे, मतलब फिनॉल बना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइहेड्रोटाइजेशन। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो डाइजोनियम क्लोराइड है इसकी प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो ये दो टाइप के रिएक्शन देता है। एक देता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन इसमें से लॉस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और दूसरा होता कपलिंग रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन इसमें रिटेंड मतलब बना रहता है। तो दोनों टाइप के रिएक्शन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो फिर बताते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए थोड़ा सा। चलिए अब दिख रहा है साफ, अभी तक तो इसकी प्रिपरेशन देख रहे थे। अब आती है प्रॉपर्टी, ये दो टाइप के रिएक्शन देता है, एक को देता है कपलिंग रिएक्शन। और दूसरा देता है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन वो होता है इसमें नाइट्रोजन जो है क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिटेन्ड, ये बनी रहती है बाहर नहीं निकलती। और ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें नाइट्रोजन क्या होता है लॉस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये मेन बात ध्यान रखनी। इसमें से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन। देखिए ये डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सिमेट्री से बता रहा हूं जिससे जल्दी याद हो जाए, ये है डाइजोनियम क्लोराइड और ये है डाइजोनियम क्लोराइड। तीन रिएक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसका रिएक्शन फिनॉल पे करा दिया या एनिलीन पे करवा दिया और या बीटा नेफ्थॉल पे करवा दी, है ना, ऐसे लिखते, तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर और इसके अंदर ये फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक। तो मीडियम आपको बेसिक लेना। अब ये रिएक्शन में बता रहा था ये एसिडिक है, मीडियम लेना पड़ेगा इसमें बेसिक। अमाइन होती है बेसिक, तो मीडियम एसिडिक, उल्टा मीडियम लेते हैं, ये एल्कोहल है मतलब एसिडिक। तो सब में सिमेट्री कपलिंग रिएक्शन। तो जो कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं है ना, फिनॉल का रिएक्शन डाइजोनियम पे, एनिलीन का या इसको बीटा नेफ्थॉल के, तो सब में HCl निकल जाता, मतलब N2 बना रहता है, ये नहीं निकलता है, इसीलिए इसे कपलिंग बोलते हैं। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, तो सिंगल बॉन्ड से अटैच करना। अब आमने सामने को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई,
याद रखो इसमें ओ आ रहा है तो ऑरेंज कलर है, भूलोगे नहीं कभी। अब सीमेंट ही से HCl निकला, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो तो यहाँ NH2 आ जाए, तो जो हाइड्रोक्सी बोला है वहां अमीनो बोल दो, इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। बस डाई ध्यान रखनी है, ये येलो कलर की डाई, हाइड्रोक्सी की जगह अमीनो आ गया है। और ये है बीटा नेफ्थॉल, HCl बाहर निकल गया। तो अगर आप लिख के देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। HCl निकल गया, बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये ब्लड रेड कलर की डाई होती है, तो बस कलर आपको लर्न करनी है, सबके अंदर सिमेट्री। तो ये कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बाहर नहीं निकली। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसे लिख लो फिर वो समझाते हैं हम आपको रिप्लेसमेंट में क्या होता है। पहला टाइप हमने आपको बता दिया कपलिंग रिएक्शन, अब बताने जा रहे हैं डाइमोनियम क्लोराइड में रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन वो होती जिनमें नाइट्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाती। तो देखिए पहला रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में क्या होता है, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया CuBr ऑब्लिक HBr, या करवा दिया CuCl ऑब्लिक HCl, CuCn ऑब्लिक HCl। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, ये रिएक्शन नहीं करता। इधर से क्या होता है आपको मालूम ही है, ये हिस्सा पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो इससे रिएक्शन हो जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, CuCl बाहर निकल जाता है और Br उसकी जगह लग जाता है। तो सब रिएक्शनों में सिमेट्री यही होने वाला है, बार बार N2 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर। इसमें देखिए N2 बाहर निकल जाएगा, CuCl बाहर और Cl अटैच हो जाएगा, तो सिमेट्री ऐसी। इसमें N2 बाहर CuCl बाहर साइनाइड लग जाएगा, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। ये कन्वर्जन में भी फायदा है, इसके आगे आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो कंप्लीट तो एसिड बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड है बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन, इसमें क्या फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया है फ्लोबोरिक एसिड। क्या होगा वही तरीका है, N2 बाहर HCl बाहर, तो ये बन जाएगा जो कि अनस्टेबल, बाहर निकल गया N2 और HCl, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए इसमें से बोरोन ट्राई फ्लोराइड निकल गया, तो फाइनली बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन तैयार हो जाती है। आ रहा है समझ? चलिए अगला रिएक्शन देखिए, पहले नेम्ड रिएक्शन बता रहे हैं हम आपको, तो देखिए तीसरा रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन सैंडमेयर जैसा ही है,
ये आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया और रिएक्शन करा दिया Cu/HCl या Cu/HBr। इसमें ये कैटेलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन इधर से होता है, N2 बाहर, HCl बाहर और Cl अटैच हो, बिल्कुल वैसे ही सैंडमेयर जैसे। ऐसे ही इसमें देखो N2 बाहर, HCl बाहर, Br लग गया, तो सिमेट्री है इसमें। तो जिनमें N2 बाहर निकल जाए समझ लेना वो रिएक्शन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता। फोर्थ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाएंगे डाइजोनियम से, तो इसके तीन तरीके। तो पहला देखिए डीएमिनेशन रिएक्शन कहलाती, इसका रिएक्शन करा दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड एलोंग विद वाटर, तो ये क्या होता ऑक्सीडाइज हो जाता, ये वाला ओ ये दे देता तो बाहर निकल जाएगा फॉस्फोरस एसिड ओ ले। अब बचे यहां 2H, तरीका वही है N2 बाहर, 2H जो बचे हैं उसमें से एक HCl बाहर और एक H लग गया, बन रही बेंजीन बाहर क्या निकलेंगे संगी। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का रिएक्शन कराया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये ओ ले गया, बन गया फॉस्फोरस एसिड। जो 2H बची उसमें से एक HCl निकला और एक H यहां लग गया। तो एक डाइजोनियम से बेंजीन बनाने का तरीका ये, ऐसे डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल सिमेट्री है, इसका रिएक्शन आपने इथेनॉल पे करवा दिया, ऐसे ही इसका हो गया ऑक्सीडेशन जैसे इसका हुआ था, एच एच निकल गया, ऑक्सीडेशन मतलब एच का निकलना, तो क्या बचेगा एल्डिहाइड, ये अलग हो गया। अब वही तरीका जो 2H निकले हैं उसमें से एक HCl निकलेगा और एक H इसके संग लग जाएगा, यही बन गया बस। समझ में आ रहा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, एच एच निकलेगा। अब इसमें से एच एच निकला तो एल्डिहाइड बाहर निकल गया, जो 2H इसने दिए उसमें से एक HCl निकला, एक H इसके संग अटैच हो गया। तो ये बेंजीन बनाने का तरीका है, हो रहा है क्लियर, लिख लो। अब इसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनका नाम तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आपने इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड पे करा दिया, स्टीम पे करवा दिया, सिल्वर नाइट्राइड पे करवा दिया, तो बिल्कुल सिमेट्री है, वही चीज चलेगी। N2 बाहर, KCl बाहर, I अटैच हो, अब आई कैसा है नेगेटिव, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, आयोडोबेंजीन बन गया। ऐसे ही इसमें देखो N2 बाहर, HCl बाहर, OH लग गया, फिनॉल बन गई, तो डाइजोनियम से फिनॉल आ जाए तो ऐसे बना लीजिए। AgNO2 का करा दो, N2 बाहर, AgCl बाहर, NO2 लग गया, नाइट्रोबेंजीन बन गई। तो बहुत आसान रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कपलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सारे के सारे, हो गया क्लियर। तो ये हम जो पढ़ रहे थे ये डाइजोनियम, अब इसके ऊपर कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, पहले से लिख लो। देखिए इस पर ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ये एनिलीन है, इसका इस पर कराया तो आपको मालूम है ये क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएजोटाइजेशन, और ये रिएक्शन कौन सा अभी पता है, बाल स्कीमेन रिएक्शन, तो ये क्या बनती है फ्लोरोबेंजीन। तो ये आपका जो आंसर है, अगर आपको रिएक्शन याद है अभी पढ़ाएं
ये डाइयोनियम क्लोराइड और ये बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन, इससे बनता है क्लोरोफिन। ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन किसके संग क्या देती है हम सबको मालूम है। ये रिएक्शन है आइसोसाइनेट टेस्ट, उसी क्या बनता है आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट का जब हम कराएंगे रिडक्शन, तो यहां से ब्रेक होकर एक एच इधर तीन एच इधर, क्या बनता है आइसोसाइनेट के रिडक्शन पे सेकेंडरी अमाइन। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे जिसमें सब डाइयोनियम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसको लिख लीजिएगा।